हेलो बच्चा लोग, मैं ले आऊं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5। भाई साहब, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम कंडक्टर्स कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल कर चुके हैं, डाइपोल वगैरह पे इन सब कॉमन पोटेंशियल वगैरह सब चीजों की बात कर चुके हैं। तो भाई आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते की बात करने वाला हूं, जो मैंने इससे पहले थोड़ा सा ऊपर से निकाल लिया था थर्ड लेक्चर में, ठीक है जी। वो है किस किस के बीच का रिश्ता, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिश्ता। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिश्ता, अरे क्या कहलाता है। देखेंगे भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा, तो भाई इस रिश्ते को समझने से पहले हमारे को एक पॉइंट दिमाग में बिल्कुल एकदम स्थिर होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो देखो ध्यान से इसको लिख लेंगे, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बहुत बढ़िया बेटा। तो फॉर एग्जांपल देखो यहां पर है, यहां पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां से एक डिस्टेंस लेते हैं R1, एक डिस्टेंस लेते हैं R2, एक डिस्टेंस लेते हैं R3। समझ रहे बेटा, R3। अच्छा, तो अब ये Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाया ना, पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ जाएगी। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट वन, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री। पोटेंशियल एट पॉइंट वन देखो, के क्यू अपॉन में आर वन। पोटेंशियल एट पॉइंट देखो, के क्यू अपॉन में आर टू। पोटेंशियल एट पॉइंट थ्री देखो, के क्यू अपॉन में आर थ्री। तो ये तो आर डिस्टेंस है बेटा, ये आर डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब बेटा पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, घटेगा बेटा। क्या हो बेटा, घटेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। तो इसका मतलब, क्योंकि भाई हमें पता है डिस्टेंस से मतलब ये पोटेंशियल है डिस्टेंस पे कैसे वेरी करता है बेटा, इनवर्सली वेरी करता है। कैसे वेरी करता है बेटा, इनवर्सली वेरी करता है। बहुत सही बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आते बेटा, आगे मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, अब दो केसेस होते हैं। एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म देख लो, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, तो भाई सबसे पहला, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा वैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म होती है, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फर्स्ट चैप्टर में बता चुका, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने बोला पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू पर गया, क्या करा मैंने, पॉइंट वन से पॉइंट टू पर गया, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट वन से पॉइंट टू पर जाने में डिस्टेंस कितना हुआ, डेल्टा एक्स। कितना, डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां पर पोटेंशियल वी वन, यहां पर पोटेंशियल वी टू, ठीक है। आगे मैं बोल रहा हूं बेटा कि अगर एक चीज बताओ, मान लो यहां से कौन सा चार्ज लेकर गया, क्यू चार्ज लेकर गया इधर से इधर। इस Q चार्ज पर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, यही Q चार्ज ऊपर बना के दिखा रहा हूं, इस Q चार्ज में इस तरफ फोर्स लग रहा होगा Q into E। तो अपना खिंचा हुआ चला जाएगा, फोर्स लग रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे लेकर जाना है, मुझे इसको लेकर जाना है सच दैट डेल्टा V इज जीरो। डेल्टा V बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कई लोग इसे ऐसे बोलते हैं, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यार अब एक होगा क्यू इन टू इस तरफ लग रहा है, तो इसका अगर मेरे को वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं चाहिए, वेलोसिटी नहीं बढ़ने देनी, तो इसका मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स एक्सटर्नल, क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बेटा। बहुत सही सर, बहुत सही। तो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के बराबर, क्यू इंटू ई के बराबर। बहुत सही, समझ गया सर। अच्छा,
अब भाई देखते हैं थोड़ा सा कि एक तो F एक्सटर्नल, ठीक है, और Q into E, इन दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा? ऑपोजिट, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा? ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा मैं जनरल करा रहा हूं मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन में तो आपको फंडा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा तो मैंने क्या किया, फोर्स कितना लगा रहा हूं इस पे? एफ एक्सटर्नल, ठीक है जी, और एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना? माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई है ना बेटा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अच्छा ओके फाइन, आगे देखते, ठीक है, या क्यू इंटू ई लोगे तो फिर वहां पर कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा। वर्क डन फ्रॉम गोइंग वन टू टू है ना, अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना, कि वर्क डन फ्रॉम गोइंग वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, यही तो बताया था पिछले तीन चार क्लासेस से, गए तो गला फाड़ रहा हूं अपना, है ना बेटा। अच्छा तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है सर एफ डॉट एस, ठीक है। वर्क डन देखते बेटा, यहां पर वर्क डन कितना हुआ? फोर्स कितना लगा? क्यू इंटू ई, कितना लगा बेटा? क्यू इंटू ई। अच्छा डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा? डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, ठीक है जी, अपॉन में क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा? वी टू माइनस वी वन, क्यू से क्यू कट गया है ना, तो ई डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? वी टू, डेल्टा वी लिख सकते हो उसको, तुम क्या जाएगा? डेल्टा वी। अब भाई एक चीज यहां पर क्या रखना, ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड में तो वी टू ज्यादा होगा और वी वन सॉरी वी टू कम होगा और वी वन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि मैंने बताया ना डायरेक्शन ऑफ फील्ड में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है, तो वी टू कम होगा और वी वन ज्यादा होगा, और मैं यहां पर वी टू माइनस वी वन करो तो एक नेगेटिव साइन आएगा, वो हम यहां पर लगा दे रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, रिश्ता आ गया किस किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एक्स के बीच में। थोड़ा लंबा जाना है इस पे हमारे को, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो आगे चलते, आगे मैंने क्या बोला बेटा, आगे बोला थोड़ा सा इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा आगे, है ना, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, वैसे तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा आगे देखते, मैंने बोला ये, अब एक काम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन, चलो एक काम करते हैं पहले इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट से बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा मैंने बोला ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल एट पॉइंट वन कितना है? 50 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, पर कूलम, ठीक है जी। अच्छा और मैंने क्या देखा कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, कितना है बेटा? 2 मीटर। तो अब तुम्हें बताना है वी टू कितना होगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं, तो पता क्या होता है कि मैंने ना एक बुक में, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल बुक है, उसमें देखा था कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करो, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसिडर करोगे तो क्या आएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ई डेल्टा एक्स, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ई डॉट डेल्टा एक्स, है ना। फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? इस तरफ लग रहा होगा, क्यू है ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? इसी तरफ है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 100, डेल्टा एक्स कितना है? 2, और इंटू कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एक्स के बीच में वो कितना है? एंगल 0 डिग्री, तो कितना आ गया? 200 डेल्टा वी। अब एक चीज बताओ, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां पे? ऑब्वियसली बात है भाई, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फील्ड में पोटेंशियल घटता है, तो इससे 200 वोल्ट कम ले लो, इससे 200 वोल्ट कम कितना होगा? माइनस 150 वोल्ट्स। समझ में आया बेटा? बहुत सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा तो ये आई होप सबको क्लियर होगा ढंग से, है ना, और ये बस जगह ना सेकंड पॉइंट में -150 क्यों लिया? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, है ना। डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज, क्या बोला? चेंज इन पोटेंशियल, क्या बोला मैंने? चेंज इन पोटेंशियल कितना आ रहा है? 200 वोल्ट का आ रहा है ना, तो 50 है, या तो यहां पर 350 हो जाए, सॉरी 250 हो जाए, है ना, क्योंकि 50 से 250 को तब भी कितने का चेंज आएगा? 200 वोल्ट का, या फिर 50 से -150 हो जाए तो भी कितने का चेंज आएगा?
200, ठीक है। लेकिन यहां पर दोनों में से करेक्ट कौन सा, ये वाला, क्यों ये करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे कम होगा, क्योंकि यहां पर हमको पता है पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ फील्ड में घटता है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब चलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म पे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लिया हमने बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, और इसी तरीके के न्यूमेरिकल है, थोड़े हाथ पर मारना हो जाएंगे। वैसे तो ये न्यूमेरिकल मैंने कभी पेपर में देखे नहीं है, है ना, मतलब कंसेप्ट है, आ सकता है, इसलिए कंसेप्ट मजबूत करने के लिए बेसिकली न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां पर मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू गया, कितना डिस्टेंस dx, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस जाना पड़ेगा यहां पर, तो बड़े के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पता कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ले, dv जो डेल्टा v था dv हो गया माइनस e इंटू में d, ये बन गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये क्या बन गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब v इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv वन पॉइंट से लेके टू पॉइंट तक के लिए, सिमिलरली यहां पर भी कर लो इंटीग्रेशन e डॉट dx फर्स्ट से लेके सेकंड पॉइंट तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन खत्म, ठीक है बेटा। अच्छा अब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था मैं थोड़ा सा, है ना। अच्छा तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो, जो लोग डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई लिखते हैं माइनस का, वो बहुत बड़े गधे होते हैं। वो क्या होता है बेटा, बहुत बड़े गधे होते हैं, जो यूं कहते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएक्स होता है, ये बहुत बड़े गधे हैं लोग। एक्चुअल में प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, ऐसे बनता है। अब एक कैसे बनता है मैं आपको जरूर बताऊंगा बच्चे, है ना। तो क्या हमारे को कितने लाने हैं बेटा, हमारे को लाने हैं सर 100, कितने लाने हैं 100 लाने हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान से, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल वेक्टर फॉर्म दे रखा है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा डिस्टेंस है dx, इसका वेक्टर फॉर्म दे रखा है dx i कैप, dx का भी x कंपोनेंट, dx का y कंपोनेंट j कैप, यह काम करते हैं इसको r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, dr, उसको हम चाहे e डॉट dx लिखें चाहे e डॉट dr लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r और x दोनों डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि यहां पर x y z आएगा ना तो दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए ले रहा हूं इसमें, ठीक है। dr x i कैप, d आर का y कंपोनेंट j कैप, ठीक है जी, प्लस डी आर का डी आर का z कंपोनेंट k कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, है ना। चाहे और पता कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं डी एक्स आई कैप, डी वाई j कैप और डी जेड k कैप, ऐसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा x, y, z की फॉर्म में गिवन होती है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो इसलिए x, y, z की फॉर्म में, ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे ऊपर है कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, v इज इक्वल टू माइनस dv, सॉरी dv इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाता है e डॉट dx, यही होता है। तो dv इज इक्वल टू माइनस e की जगह पे क्या लगा दो, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ex i कैप, ey j कैप, ez k कैप, है ना, डॉट dx के जगह पे क्या लगा दोगे, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, है ना, ये एक्चुअल में dr है क्योंकि यहां पे मैंने r ले रखा है ना, ठीक है। अच्छा तो यार यहां पर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे को डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन आती है ना, सिर्फ आई आई वाले वन बचते हैं बाकी सारे जीरो हो जाता है ना, तो यार वही वाला, तो dv यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस ex इंटू में dx, ey into dy plus ez into dz, ये चीज बचेगी, बाकी सब जीरो जाएगा, बाकी सब जीरो जाएगा, बाकी सब जीरो, ठीक है जी। अच्छा तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हमारा कितना आया, ये निकल कर आ गया। अगर मैं पोटेंशियल में बात करूं तो पोटेंशियल की एक्सप्रेशन हमारी कितनी निकल कर आ गई है, ये निकल कर आ गई, इंटीग्रेट कर दिया पोटेंशियल को, ठीक है, इंटीग्रेशन मार दिया पोटेंशियल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अच्छा तो
बच्चे अब यार होता क्या है ना, मुझे क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है सर? डेल। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन का डी। ठीक है, डेल होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक फंक्शन है एम। ठीक है, कैसे दे रखा है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये फंक्शन है। मैंने बोला इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि सिर्फ एक्स कैसी क्वांटिटी रह जाएगी? वेरिएबल क्वांटिटी रह जाएगी। बाकी जो वाई और जेड बचे हैं ये क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। किसकी तरह ट्रीट किए जाएंगे? कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो। क्या होता है? जीरो। एक चीज बताऊं, यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है डेल। किसका? एम का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स। किस चीज का? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एम की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, डेल एम अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। y और z तो कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? जीरो हो जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, y का भी जीरो और z का भी जीरो। बचेगा डेल एक्स, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन, तो डेल m बाय डेल x कितना आ गया? वन। समझ में आया ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर है? अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ x को क्या रखेंगे? वेरिएबल रखेंगे, बाकी दोनों को कांस्टेंट। अगर y के रिस्पेक्ट में करना हो तो y को वेरिएबल रखेंगे, xz को कांस्टेंट। z के रिस्पेक्ट में करना हो z को वेरिएबल, xy कांस्टेंट। एक एग्जांपल और देख ले इसका, एक एग्जांपल और देख ले, फिर इस पर आएंगे हम लोग। एक्चुअल में मैं थोड़ा टॉपिक से भटक इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हारे को आगे आने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वरना यार कोई फायदा नहीं है ना यार करा दूं मैं, है ना, सिर्फ IIT वाले बच्चों को समझ में आएगा। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, प्लस ये दे रखा है बस, ठीक है, ये तुम्हारा एक फंक्शन दे रखा है टी। अब मैंने बोला पार्शियली डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो, डेल टी अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल वाई, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये किसकी तरह? जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कॉन्स्टेंट को भी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के इस केस में, है ना, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल वाई, और ये कितना हो जाएगा? 1, तो क्या आ गया? बच गया एक्स स्क्वायर। समझ आया ना? अच्छा, अगर मैं यही बोलता, इसी में ही बोलता, है ना, या यहीं पर क्या एक क्वांटिटी दी होती प्लस वाई जेड, ठीक है, अब मैं बोलता किसके रेस्पेक्ट में करो? जेड के रेस्पेक्ट में करो। किसके रेस्पेक्ट में करो? जेड के रेस्पेक्ट में करो, ठीक है, तो यहां पर क्या था? डेल टी अपॉन में डेल जेड, ठीक है जी, यहां पर क्या था? डेल अपॉन में डेल जेड, इसका भी एक्स स्क्वायर वाई का भी प्लस डेल वाई जेड अपॉन में डेल जेड, ठीक है। क्या यहां पर जेड का कोई टर्म है? नहीं, इसका मतलब है पूरा का पूरा क्या है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब जीरो, ठीक है जी, और यहां पर क्या y कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा डेल z अपॉन डेल z, z क्या आ जाएगा? मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 y, ठीक है जी। एक्चुअल में क्या है, ये z का जनरल डिफरेंशिएशन किया है मैंने, कुछ ज्यादा तो अपनी गाड़ी, ठीक है। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए एक और देख लेते हैं, अगर यहां पर z स्क्वायर होता, है ना, तो पता डेल t अपॉन में डेल z क्या होता, है ना, y तो z इज बाहर आ जाता, डेल z स्क्वायर अपॉन डेल Z, तो Z square का differentiation क्या होगा? 2 into Z की power 2 minus 1, that is 1, तो actual में यही होता है इसका, 2 into Z की power 1 और Y यहाँ पर as it is, खत्म, ये होता है इसका differentiation, है ना। मेरे हिसाब से बहुत ही deep जाके मैंने concept समझा दिया है, क्योंकि maths का topic है ना, तो इसीलिए like थोड़ा बच्चों को basic आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बता दिया, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। और नहीं भी आया ऐसे तोप वाली बड़ी वाली बात थी, मैथ्स में सीख जाओगे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा तुम्हारे को, है ना, डेल वाला टॉपिक।
अगर देखो मैथ समझाने की बात आई, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, अगर प्रॉपर मैथ से क्लास रहती है ना, थोड़ा और डीप में जाके पढ़ते हैं इसको, है ना। वैसे आप अनुराग चौहान मैथमेटिक्स लिख सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। एक्चुअल में क्या है, हम लोग टीम है ना, और वहां से मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, एकदम कंचा क्लियर हो जाएगा भाई साहब, कंचा क्लियर, ठीक है जी। अच्छा अब एक काम करो, ठीक है, अब देखो यहां पर आते हैं हम लोग, ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस e इंटू में x प्लस ई एक्स इंटू में x, ey इंटू में y, ey इंटू y प्लस ez इंटू z। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएटेड फॉर्म था, है ना। ये कैसा फॉर्म था, डिफरेंशिएटेड फॉर्म था। अगर मैं इसको टोटल लेकर आऊं, v इंटीग्रेट करूं पूरी इक्वेशन को, तो dx का x आ जाएगा, dy का y आ जाएगा, dz का z आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब एक काम करो, पार्शियल डिफरेंशिएट करो x को पूरी इक्वेशन में, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर क्या बचेगा, डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज, डेल अपॉन में डेल x, पहले इसका डिफरेंशिएशन ex into x प्लस डेल अपॉन में डेल x ey into y, ठीक है, प्लस डेल अपॉन में डेल z ez into z। समझ आया ना। अच्छा तो ey into y क्या है, क्या यहां पर कोई x का टर्म है, नहीं। क्या यहां पर कोई x का टर्म है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर x है, एक है, ex बाहर आ जाएगा, डेल v अपॉन में डेल x इज इक्वल टू माइनस ex डेल x अपॉन डेल x, x का डिफरेंशिएशन वन, तो यहां पे क्या बन गया, डेल v अपॉन में डेल x इज इक्वल टू ई एक्स माइनस का, इसी को हम लिखते हैं ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ऐसी ई वाई क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। ऐसी ई जेड क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या था आज का, एक छोटा सा बढ़िया सा एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, दिमाग खनका देने वाला लेक्चर था, जो आपने अभी तक चीजें नहीं पढ़ी है, डेल आज तक नहीं पढ़ा था, नई चीज सीखने को मिली आज लेक्चर में, डेल कैसा होता है, क्यों होता है, कैसे निकालते हैं, है ना। इनके क्वेश्चंस में अभी आप मत घुसिएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जेई नीट सीरीज अब लेकर आऊंगा इसकी, तो मैं जरूर करा दूंगा, ठीक है बच्चे। तो यार वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, है ना, चैनल को बढ़िया तरीके से, एकदम मेहनत कर रहे हैं यार सारे टीचर्स, मैं बता रहा हूँ सच में यार, मतलब रातों की नींद आराम हो गई है एडिटिंग करते करते, ठीक है। तो यार कर लो यार सब्सक्राइब कर लो, अभी भी देख लो रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब करो अच्छी तरीके से, दबा के सब्सक्रिप्शन आने चाहिए, ठीक है। और भाई चलो एम एम खेलते हैं, ठीक है, सब यूट्यूबर्स एम करते हैं ना लाइक्स का, तो एक काम करते हैं, एम करते हैं ज्यादा नहीं 25 लाइक का एम करते हैं, ठीक है, 25 लाइक्स का एम करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्द मिलेगा इसी चैनल पर, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।